उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर जिला अध्यक्ष हरकिरण कौर दामी मैडम को अपना पदभार और कार्यकाल संभालते हुए आज एक साल पूरा हुआ। इस एक साल के उपलक्ष्य में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हरकिरण कौर दामी मैडम को वहां पर बधाइयां देने पहुंचे। दामी मैडम ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें अच्छा समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि उनका सफर चुनौतियों भरा रहा, मगर वह डटी रही और भरत राजवाणी का उन्होंने व्यक्ति तौर पर आभार व्यक्त किया कि उनके मार्गदर्शन में वह अपना अच्छा काम कर पाई है। उन्होंने कहा कि पहले के लोगों ने पार्टी को मोहताज बनाने की कोशिश की थी, मगर दामी मैडम ने कहा कि मैं उन लोगों को बताना चाहती हूं कि पार्टी किसी की मोहताज नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति पार्टी का मोहताज होता है। जब पार्टी में मन आया चले आए, और जब पार्टी से मन भर गया और पार्टी से चले गए। इससे ये साफ दिखता है कि लोग मोहताज होते हैं, पार्टी मोहताज नहीं होती। आइए बात करते हैं हरकिरण कौर दामी मैडम से, जिनका एक साल का कार्यकाल राष्ट्रवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर पूरा हुआ। क्या कहती है मैडम, दामी मैडम और उनके साथ भारत राजवाणी, जिनके मार्गदर्शन में पार्टी ने अपना कार्यकाल आगे बढ़ाया है। सबसे पहले तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इतना प्यार, इतना सहयोग, इतना सपोर्ट जो पूरा साल स्पेशली भारत जी का रहा, इतना बड़ा जो ये एक साल चुनौतियों भरा था, वो पूरा श्रेय एक्चुअली भारत जी को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में हमने उनका साथ दिया है। तो एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां भारत जी के लिए बोलिए। उन्होंने 13 साल तक पार्टी संभाल के रखी है। जब बीजेपी के आंधी में हमारे बड़े बड़े लीडर तक बह गए थे, तब उन्होंने अपने बलबूते पे पूरे का पूरा पैनल निकाला था। तो ये एक कामयाबी भरा साल भारत जी के नाम है। और इसके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हर एक पद अधिकारी, हर एक कार्यकर्ता का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपना पूरा साथ, सहयोग और इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन अमोल आप लोगों ने भी दिखाई, क्योंकि पॉजिटिव दिखाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा। जैसे कि सबको पता ही है कि पिछले साल 27 सितंबर को बहुत ही गंभीर चुनावी परिस्थितियां थी, जब मुझे अध्यक्षता पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अध्यक्षता पद की जिम्मेदारी सौंपते ही मन में मेरे 2-3 संकल्प मैंने ले लिए थे, क्योंकि ये मेरी एक्चुअली नेचर है कि मैं कोई भी कार्य की जिम्मेदारी लेती हूँ तो उसका संकल्प पहले ही ले लेती हूँ। तो एक मेरा पहले संकल्प था कि राजनीति में आ रही हूँ, लेकिन राजनीति में आके मैं कभी वादा नहीं करूँगी, मैं हमेशा जो कर सकती हूँ उसका सीधा दावा ही करूँगी और दावा पूरा करके दिखाएंगे। तो खुशी है जो दावे किए वो पूरे किए। पहला मैंने मन में संकल्प लिया था कि पक्ष को मजबूत करना है, क्योंकि पक्ष की स्थिति उस टाइम ऐसी थी कि एक तो विरासत में कुछ नहीं मिला था, सिर्फ 4 नगर सेवक, वो भी उनमें से कुछ एक डामाडोल स्थिति में थे। तो बहुत ही गंभीर, मतलब जिसको मैं मानती हूँ कि बहुत ही गंभीर सिचुएशन थी। तो फर्स्ट संकल्प लिया था कि पक्ष की मजबूती, उसके बाद था कि उल्लासनगर का विकास, क्योंकि एज ए काउंसलर मैंने उल्लासनगर के लोगों की समस्याओं को बहुत ही करीब से देखा था कि उल्लासनगर में लोगों का ऐसे था कि वो लग रहा था कि मजबूरी में रह रहे हैं, उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ये तो आप सबने भी देखा होगा, आज अच्छे अच्छे घरों ने, जिन्होंने बहुत मेहनत से हमारे पुराने लोग जो हैं, जिन्होंने उल्लासनगर बसाया, वो आज उल्लासनगर छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अगर उल्लासनगर का विकास हुआ होता तो नहीं जाते थे, क्योंकि ये एक व्यवसायिक केंद्र बहुत अच्छा डेवलप हो सकता था, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो एक संकल्प ये था कि पक्ष मजबूती, और दूसरा था कि ये उल्लासनगर का डेवलपमेंट कैसे भी करके ही दिखानी है। और तीसरा मन में मैंने एक अदृश्य संकल्प लिया था कि हमें
भारत जी के सहयोग से, राष्ट्रवादी पार्टी के हर एक पद अधिकारी के सहयोग से, हर एक कार्यकर्ता के सहयोग से ये करके दिखाना है कि आदरणीय शरद पवार साहब की जो ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो किसी एक व्यक्ति की मोहताज नहीं है। पार्टी जो एक नेशनल स्टैंडर्ड लेवल की पार्टी होती है वो कभी भी किसी एक व्यक्ति की मोहताज नहीं होती है, व्यक्ति पार्टी का मोहताज होता है। और वो भी एग्जांपल हमारे शहर में बहुत अच्छे से सेट हो गई। जब ज़रूरत थी तो पार्टी में चले गए, जब ज़रूरत नहीं थी पार्टी छोड़ दी गई। मोहताज कौन है ये सामने है। पार्टी मोहताज नहीं होती है किसी की भी। पार्टी को सच्चे कार्यकर्ता चाहिए होते हैं, गुलाम नहीं चाहिए होते हैं। तो मुझे खुशी है कि ये तीन संकल्प जो हमने लिए, ये लिए तो सब भारत जी के भरोसे, सब पद अधिकारियों के भरोसे, सब कार्यकर्ताओं के भरोसे, जो ओरिजिनेलिटी से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये आप सबके सहयोग से वो पूरा कर पाए, उसके लिए मैं तह दिल से आप सबका आभारी हूँ कि भी आप सब ने इतना प्यार सत्कार जो सहयोग दिया। तो होपफुली आशा करती हूँ कि आगे भी जो नेक्स्ट अभी दावा रह गया है कि 2022 में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इतनी गिनती में अपने कैंडिडेट चुन के लाने हैं कॉरपोरेशन चुनाव में कि मेयर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का होगा।